हेलो, आज हम लोग अपने मिक्सचर एलिगेशन के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा होगा डे 8, राइट। डे 7 तक का हमारे बैक बेंचर्स करके यूट्यूब चैनल है, जिसमें कि सारे वीडियो क्या है अपलोडेड है, राइट। आप इसमें से जाके डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 एक सीक्वेंस वे में देख सकते हैं। मैं हमेशा सभी से गुजारिश करता हूँ कि वे सीक्वेंस वे में देखें तो उनके लिए अच्छा होगा। यदि मेरे आप लेक्चर पे नए हैं, वीडियो पे नए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे वीडियो से अपडेट रहे। तो देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को फिर कैसे बनाना है उसे भी हम लोग देखेंगे। कह रहा है द पर्सन एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब क्या होता है, खर्च करना, 75% ऑफ हिज इनकम, अपने इनकम का वो क्या करता है, 75% खर्च कर देता है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 15%, यदि उसके इनकम क्या होती है, 15% इंक्रीज हो जाती है, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 19%, और जो उसकी खर्च है वो कितनी बढ़ जाती है, 19%, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेविंग विल बी चेंज, तो उसकी सेविंग में क्या चेंजेस आएगी। आप ये जब क्वेश्चन देखे होंगे तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी बनाया बताया था, राइट। तो हम लोग आज इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाएंगे, पहला एलिगेशन के प्रोसेस से बनाएंगे, दूसरा जैसे परसेंटेज में हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था परसेंटेज में आपका यदि इनकम एक्सपेंडिचर का कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, और दोनों तरीका आपका सूट करेगा, आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं। तो हम लोग बनाना सीखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए पर्सन एक्सपेंड 75% ऑफ हिज इनकम, अपने इनकम, यदि मैं फॉर्मूला की बात करूँ, इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, राइट। पता होगा आपको इनकम इक्वल टू क्या होता है, जो आपकी एक्सपेंडिचर हो गई और जो सेविंग हो गई उसका सम अप होता है इनकम, राइट। पर्सन एक्सपेंड 75% ऑफ हिज इनकम, वो क्या करता है, 75 अपने इनकम का खर्च कर देता है, राइट। एंड इफ हिज इनकम इज इंक्रीजेस, अब कोई भी इनकम क्या होता है, 100% होता है, तो सेविंग क्या होगी उसकी, 25 होगी, ठीक है। और एलिगेशन में मैं बता देता हूँ एलिगेशन का प्रोसेस क्या होता है, आपका यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं और यहाँ यहाँ, फिर इसे हम लोग क्या करते थे, क्रॉस माइनस कर लेते थे। तो ये वाला जो चीज़ें होता है, ये होता है आपका इनकम, ये बीच वाला, ये आप जान जाना, ये होता है इनकम, ये होता है आपका सेविंग, और ये क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखते हैं हम लोग सेविंग, यहाँ लिखते हैं हम लोग इनकम। अब एलिगेशन कहाँ लगाते हैं हम लोग, एलिगेशन लगाते हैं जब आपको ये दोनों दिया हुआ रहता है और इनकम बीच का दिया हुआ रहे और किस रेशियो में दोनों को मिलाना हो, तब हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 15%, उसकी इनकम क्या होती है, 15% इंक्रीज हो जाती है, मान लो इनकम होता है बीच में, 15% इंक्रीज कर दिया, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 19%, एक्सपेंडिचर यहाँ होता है, मैं लिख दिया है 19%, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपेंडिचर 19%, देन हाउ मच परसेंट ऑफ सेविंग विल बी चेंज, तो सेविंग में उसकी कितने चेंजेस आएगी, राइट। हमें ये निकालना है। और एक चीज़ पता है, ये क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर होता है और ये क्या होता है, सेविंग होता है। और एक चीज़ आप और क्वेश्चन में देखोगे तो आपको क्या है, एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों की रेशियो आपको दे रखी है, 75 और 25, यदि मैं इसे काटूं, 75 दे रखा है और 25 दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है आपका। मैं इसे बात करूं, ये कटेगा कितना, 25 से 25 या 75, यानी कि 3:1, राइट। और यहाँ पर मैं बात करूँ, ये कैसे निकलेगा फिर, हमें ये दोनों भी तो निकालना है, ये दोनों कैसे निकलेगा, तो मैंने एक तरीका बताया था आपको निकालने का, ये कैसे निकलेगा आपका, मान लो सपोज दैट ये मान लेते हैं हम एक्स, राइट, इसे मान लिए क्या हम एक्स, जब एक्स माने तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देख लेते पहले बड़ा कौन है और छोटा कौन है। अब देखो 19 यहाँ बड़ा है तो ये क्या होगा, जरूर मेरा छोटा होगा, तो हमेशा क्या होता है, बड़ा से छोटा घटता है, तो जब बड़ा से छोटा घटता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, 19 में से 15 गया, ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ से मुझे निकल गया। अब देखो यहाँ मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ये एक्सपेंडिचर का वैल्यू निकला, ये सेविंग का निकला, मैं 15 माइनस एक्स बाई 4 ये लिख दिया, इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर, ये क्या है आपकी जो आई है, एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या निकल गई, 3, तो 15 माइनस एक्स ये भी हो जाएगा 3, और नीचे सेविंग की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे सेविंग दे रखी है 25, 25 को मैंने काटा था 1। अब क्या करो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो आप, तो एक्स की वैल्यू निकलेगी तो क्या हो जाएगा, 4 × 12 − x = 12 + −15, तो x = क्या हो जाएगा, 3।
तो एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, 3। तो हमें यही तो निकालना था कि सेविंग कितना परसेंट होगा। देखो एक्स बराबर क्या निकल गया मेरा, 3%। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बस आपको समझने का देर था कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को समझते हो, देखते हो और बनाते हो। यहाँ पे एक चीज़ बस हमेशा ध्यान रखना, ये बीच वाला जो होता है ये आपका होता है इनकम, ये होता है एक्सपेंडिचर और ये होता है सेविंग। यहाँ पे एक्सपेंडिचर की वैल्यू दे रखी थी, इनकम की वैल्यू दे रखी थी, सेविंग मैंने एक्स मान लिया, इसको यहाँ से माइनस कर लिया, इसको यहाँ से माइनस कर लिया और इसका रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, राइट। तो क्वेश्चन को आप देखे होंगे काफ़ी आसानी से हम लोग बनाए। इसका एक और तरीका होता है बनाने का, जैसा हम लोगों ने परसेंटेज में बनाया था, और उसे भी हम लोग देखते हैं कि वो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए पर्सन एक्सपेंड 75% ऑफ इनकम। फॉर्मूला क्या होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, राइट। ये चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। एक्सपेंड कितना करता है, 75%, राइट। तो सेविंग क्या करता होगा, टोटल इनकम क्या होती है, हमेशा 100% होती है, तो सेविंग क्या होगी, 25%, ताकि 75-25, तभी तो हो पाएगा मेरा 100। फिर क्वेश्चन में आगे आपका दे रखा है, इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, उसकी इनकम क्या होती है, 15% इंक्रीज हो जाती है। तो इनकम इंक्रीज होगी तो कितना होगा, 115 हो जाएगा। 100 का 15% क्या निकलेगा, 15 निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, 115। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 19%, और एक्सपेंडिचर क्या होता है, मेरा 19% इंक्रीज हो जाता है। तो मैं 75 का 19% निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 75 का 19% निकाले तो क्या हो जाएगा, जब आप 75 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14-25, और नीचे का 2 है यहाँ से चल जाएगा 14.25। अब आप क्या करोगे, 75 में से 19% उसकी सैलरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसमें 14.25 क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे। तो ऐड करोगे तो क्या होगा, ये 2 हो गया, 5, 8, 9, 7, 1, 8, तो हो गए आपके 89.25, राइट। आगे क्या है, देखो ये 115 था, ये 89.25 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25.75, जब आप इसको माइनस करोगे तो निकल गया। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंट ऑफ सेविंग विल बी चेंज। आपका सेविंग कौन है यहाँ पे, सेविंग तो यही दोनों है, ये सेविंग है, राइट। तो कितनी की चेंजेस आ रही है, 25 में से जब 0.75 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0.7 की चेंजेस आ रही है, 0.75 की चेंजेस आ रही है, कितने में से चेंजेस आ रही है, 25 में से चेंजेस आ रही है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 × 100 हो गया। अब 0.75 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा आपका, आ जाएगा 3, राइट। वहाँ से भी हम लोग आंसर निकाले थे तो 3 आया, यहाँ से भी निकाले 3 आया, वो एलिगेशन प्रोसेस था, ये परसेंटेज का प्रोसेस है, राइट। तो आप दोनों तरीकों को सीखो, क्योंकि कहीं भी कुछ भी यूज हो सकता है, और यदि मैं परसेंटेज में भी सिखाया हूँ तो वो भी आपको याद रहना चाहिए, और एलिगेशन में एक नया चीज़ सिखाया हूँ तो वो भी याद रहना चाहिए। लेकिन एलिगेशन कहाँ लगता है आप हमेशा जानते होंगे, जब 2 वैल्यू दे रखा है और बीच की वैल्यू भी दे रखी है और इसका रेशियो हमको निकालना होता है तब, राइट। तो क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट, और उसे देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ए पर्सन इज 30:17, ठीक है। एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो दे रखा है 30:17। इफ इनकम इंक्रीजेज बाई 19% एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाई 7%, देन हाउ मच परसेंट ऑफ सेविंग विल बी चेंज। तो सेविंग में क्या चेंजेस हो रहा है, आओ दोनों तरीकों से हम लोग देखेंगे। पहले आप खुद से भी ट्राई करो एक बार, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले हम लोग अभी तुरंत बनाया है, जस्ट उसी पे बेस्ड है हमारा ये क्वेश्चन भी। तो हमने क्या बताया अभी, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देखो जो बच्चे समझ चुके हैं पिछला क्वेश्चन, तो वो एक बार पॉज करो इस क्वेश्चन को, खुद से ट्राई करो, राइट। कहीं कुछ भागे नहीं जा रहा, कोई वीडियो भी नहीं भागा जा रहा, आपके पैसे भी नहीं लग रहा, आपका समय है ये भी आया आपके पास, आप एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं बनता तब आप वीडियो को देखो प्ले करके, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिर आगे क्या करा, इफ़ इनकम इंक्रीजेज बाई, अब आपको चीज़ मैंने क्या बताया था, इनकम क्या होता है आपका बीच वाला, राइट, और ये क्या होता है आपका सेविंग होता है, और इधर वाली क्या होती है आपकी एक्सपेंडिचर होती है, ठीक है, आपको याद होगा ये इनकम होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ़ इनकम इज इंक्रीज बाय 19%, मैंने इनकम लिख दिया, इंक्रीज कर रहा है तो प्लस है, एंड इंक्रीज एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज बाय 7%, और एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। देन हाउ मच परसेंट ऑफ सेविंग विल बी चेंजेस, हमें सेविंग नहीं पता है, सेविंग मान लिए हम लोग एक्स, राइट। और शुरू में हम लोगों को क्या दे रखा है, शुरू में हम लोगों को दे रखा है यहाँ पे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो, यानी इनकम दे रखा है हमें 30 और एक्सपेंडिचर दे रखा है मेरा 17, राइट।
तो सेविंग क्या हो जाएगा मेरा, 30 में से 17 आप घटा लो, तो जब 30 में से आप 17 घटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। ठीक है, 7 8 9 10 के 0 2 1 3, आपका क्या निकल गया, 13। तो सेविंग यहाँ से ये रेशियो निकल गई, राइट। तो ये किस चीज़ की, किस चीज़ की आपकी, एक्सपेंडिचर का है और ये आपका सेविंग का है। सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला हम लोग बनाए थे, उसी तरीके का बेस्ड है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है, हमेशा बड़ा से छोटा घटता है। यहाँ पे देखो ये छोटा है तो ये जोड़ क्या होगा आपका, बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा से छोटा हमेशा घटता है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज टू 19। देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, समझने वाली चीज़, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ 19 माइनस एक्स मत कर देना, हमेशा बड़ा से छोटा घटता है। मान लो ये छोटा है तो ये जोड़ बड़ा होगा, क्योंकि एलिगेशन में मैंने क्या बोला था हमेशा, कि ये जो दो वैल्यू रहता है ये हमेशा इसके बीच में रहता है, राइट। पहला चीज़ हमने बताया था कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या बोला था, कि एक इससे बड़ा होता है तो दूसरा इससे क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, नहीं तो ये इससे बड़ा होगा तो ये इससे छोटा होगा, ये शुरू में आप, इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ आप सीक्वेंस में देखो। मैंने पहले लेक्चर में ही एलिगेशन का जब बताया था तो उसमें ये चीज़ें आपको समझाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप 19 है, 19 में से क्या कटोगे, माइनस, फिर माइनस होगा क्योंकि -7 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 19 और 7 क्या हो जाएगा आपके, 26 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या निकल गई, यहाँ हो गया आपका एक्स माइनस 19 और यहाँ हो गया आपका 26, और एक्सपेंडिचर का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 17, मैं लिख देता हूँ ऊपर, और नीचे सेविंग की वैल्यू दे रखी है 13, मैं लिख दिया 13 दुना के 26, ये कट गया। एक्स माइनस 19 इजकल टू क्या हो गया, 17 दुना के 34, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, 34, और क्या हो जाएगा प्लस उधर 19, तो 9 10 11 12 13 3 4 1 5, एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 53, राइट। तो यहाँ से क्या निकल गया मेरा आंसर, 53। यही तो हमें एस सेविंग की वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन में भी क्या करा था, सेविंग विल बी चेंज, सेविंग में क्या चेंजेस आ रहा है, 53% का चेंजेस आ रहा है, यही तो मेरी आंसर हो गई। तो ये हो गया आपका एलिगेशन से बनाना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो परसेंटेज वाला तरीका सीखे थे, उससे भी आओ क्वेश्चन बना के हम लोग ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका, इनकम क्या दे रखा है 13, मैं लिख देता हूँ 13, और एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है 17, तो सेविंग क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पे 13, सॉरी ये इनकम, इनकम दे रखा है आपका 30, सॉरी मैं गलती से लिख दिया था, इनकम क्या दे रखा है आपका 30, और एक्सपेंडिचर हो गया 17, तो आपका सेविंग क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 7 3 10 7 3 10 0 2 1 3। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे सही है। इफ़ इनकम इज इंक्रीज बाई 19%, दे रहा है इनकम क्या कर रहा है, 19% इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो 30 का 19% निकालो तो क्या हो जाएगा आपका, 19 दिया क्या हो जाता है आपका 57, राइट, 1 0 हो गया और पीछे से 2 0 हो गया, 5.70, राइट। और 5.70 हम क्या करेंगे, 30 में ऐड कर देंगे, इंक्रीज हो रहा है, तो 35.35 क्या हो जाएगा 7, राइट। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज बाई 7%, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, 17 का 7% निकाल देंगे, 17 7 आपका क्या हो जाता है, 119 हो जाता है, राइट। और यहाँ से 2 0 था तो यहाँ पे डेसिमल चलाएगा, और क्या कह रहा है, आपका 7% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यदि मैं 17 में से 1.19 घटा दूँ तो क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 15.81, राइट। अब यहाँ से आप सेविंग आसानी से निकाल सकते हो, आपका इनकम है 35.7 माइनस 15.81, तो आपका आ जाएगा 19.89, राइट, इतना आपका आ गया। अब इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा है हाउ मच सेविंग विल बी चेंज, तो सेविंग विल बी चेंज क्या हो जाएगा आपका 16 पॉइंट, सॉरी इसको जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 6.89, राइट, 6.89 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ पे आपका रफ, यहाँ पे 9 था, ठीक है, तो माइनस करके किया गया 6.89। अब यहाँ हम आसानी से निकाल लेंगे, 6.89 कितना में से बढ़ा, 13 में से, अब गुना क्या हो जाएगा आपका 100, राइट। ये 100 से यहाँ से 100 ये कैंसिल हो गया, 13 को 6.89 से करोगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 53 टाइम्स में। और उस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन बनाए थे तो आंसर क्या आया था हमारा, 53 आया था, यहाँ भी 53 आया। तो दोनों तरीका अपने जगह बेस्ड है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और सीखेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ए पर्सन इज 5:3, राइट, एंड इफ एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज बाय 14% एंड द सेविंग विल बी इंक्रीज बाय 24%, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम विल बी चेंज। सेम क्वेश्चन है,
आप उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाओगे, राइट? तो आंसर आपका एकदम क्लियर रहना चाहिए। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखो और आंसर चेक करना, और फिर गलत आता है तब आप क्वेश्चन को बैक करके चेक करना कि आखिर क्वेश्चन में गलती क्या हुई थी। चलो बनाना शुरू करते हैं। इनकम इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, राइट? आपका इनकम कितना क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, राइट? एंड एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो सेविंग क्या होगा? जरूर 2 होगा, राइट? यहाँ तक समझ गए होंगे। इफ़ एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज बाई 14%। अब आपको पता था बीच वाला क्या होता है? आपका इनकम होता है, राइट? हमेशा याद रखना कि जो राइट हैंड साइड वाले होते हैं वो क्या होते हैं? सेविंग होते हैं, और इधर वाला क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। तो राइट हैंड साइड वाला क्या होता है? हमेशा आपका सेविंग होगा, राइट? अब बीच वाला क्या होता है? हमेशा इनकम होता है। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया? इफ़ एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज बाई 14%, तो ये क्या हो गया? आपको 14 वैल्यू दे रखा है, राइट? एंड सेविंग विल बी इंक्रीज बाई 24, मैंने लिख लिया 24, राइट? फिर आगे देख रखा है, देन हाउ मच इनकम विल बी चेंज। अब इनकम में क्या चेंजेस आएगा? अब देखो, आप मेरे क्वेश्चन को देखोगे तो हमें ये बीच वाली निकालनी है, राइट? और ये क्या है? आपका एक्सपेंडिचर है, और क्या है? आपका सेविंग है, राइट? और एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या रेशियो दे रखा है? 3:2 आपको दे रखा है, राइट? अब ऐसा रहे और इसकी वैल्यू निकालनी हो तो मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो यदि दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं तो आप देख लो मैंने क्या कहता है, इस दोनों की आप डिफरेंस निकाल लो। 14 और 24 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? आपको 10 हो जाएगा, राइट? अब इसकी निकालनी है तो क्या करेंगे? इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 3 बाय क्या करेंगे? 5 गुना, ऊपर निकला था आपका क्या? 10 डिफरेंस। 5 दुना के 10, 3 दुना के 6, तो इसकी वैल्यू क्या निकल गई? 6। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? इसकी वैल्यू दे रखी है 2, राइट? पूरी वैल्यू कितनी है? 5। डिफरेंस क्या आया? 10, मैंने लिख दिया 10। 5 दुना के 10, 2 दुना के 4, राइट? ये वैल्यू निकल गई। मैंने ये क्वेश्चन हमेशा इस टाइप का बताया है कि जब यहाँ पे दिया हुआ रहता है निकालना होता है तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है? अब हमें निकालना है बीच की वैल्यू। अब इस दोनों को जोड़ के देख लो, 24 और 6 क्या होता है? 30 होता है, ठीक है? अब यहाँ मान लो कि मैं 30 लिख देता हूँ, तो 30 में से 14 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 30 में से मैं 14 घटाऊँ तो कभी तो 4 आएगा नहीं, मतलब कि ये नहीं होगा। अब इस दोनों का जरूर जोड़ होगा, तो 14 4 क्या होता है? आपका 18 होता है। क्या होता है? 18 होता है। तो 14 में से 18 गया तो 4 आ गया, और 18 में से यहाँ से 24 घटेगा तो क्या आ जाएगा? आपका 18 19 20 21 22 23 24, मतलब कि 18 क्या हो गया? आपका बीच का इनकम निकल गया। देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ द इनकम इज चेंज, तो क्या निकल गया? आपका 18%, ठीक है? तो इस तरीके से चेक करके हम लोग आंसर को निकाल लेते हैं। अब उम्मीद करते हैं एक और तरीका जो मैंने आपको बताया था परसेंटेज वाला, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा, आप खुद से एक बार देखो। परसेंटेज वाला तरीका मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, आप खुद से ट्राई करो। यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं तो हमारा जो टेलीग्राम नंबर है या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789218300, ठीक है? आप इस पर जुड़ जाओ, हमारा टेलीग्राम नंबर भी यही है, इस पर आप जाओगे मैं ऐड कर दूंगा आपको। और यदि आपको प्रॉब्लम होती है तभी आप मेरे को मैसेज करना, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और बेल आइकन जरूर दबा के रखना, ठीक है? तो आज के वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और देखते हैं कि किस तरीके से मिक्सचर एलिगेशन के और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।